जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो वैन आरेख से संबंधित जो यूपी पुलिस में सवाल आते हैं वो किस तरीके के आते हैं और ये कितने प्रकार के सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। और आपको पता होगा, आपने अगर देखा होगा तो लगभग 4-5 सवाल आपके यहाँ पूछे गए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। और 4-5 सवाल का मतलब होता है लगभग 10 नंबर, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हाँ जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो अपने अनुमान और अपने अनुभव के आधार पर सॉल्व करते हैं, बल्कि जो विभाग होता है और जो रियलिटी होती है वो कुछ और होती है। जैसे खासकर इन तरीके के सवालों में, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिएगा, इसमें दो तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक होता है समुच्चयों के बीच संबंध बताना। समुच्चयों के बीच संबंध बताने का क्या मतलब, जैसे भारत है, जयपुर है, राजस्थान है। आपको पता है कि जैसे कि अगर देखा जाए तो जयपुर कहाँ पर है, तो जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान कहाँ है, भारत में। तो ये इसका इस तरीके से, या मान लीजिए इस तरीके से कुछ ऐसे कुछ सर्किल बने डायग्राम बने होंगे, उनमें आपको बताना पड़ेगा कि का जो है ये कि इनमें से कौन सा जो डायग्राम है वो इनका प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा सवाल ये होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि इस तरीके के कुछ आकृतियां बनी होंगी, मान के चलिए कुछ यूं, और इनमें नंबर लिखा होगा 5, 10, 8, 7, 4, 3 ऐसे लिखा होगा। बोला जाएगा कि ये व्यक्ति हैं जो पुरुष हैं, और ये व्यक्ति हैं जो साक्षर हैं, और ये व्यक्ति जो हैं वो भारतीय हैं। तो ये बताइए इनमें ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो साक्षर तो हैं लेकिन भारतीय नहीं हैं। तो ऐसे सवाल आपसे पूछा जाएगा, या ऐसे पुरुषों की संख्या बताइए जो केवल साक्षर हैं। तो इस तरीके के सवाल की हम लोग चर्चा जो है इसके जस्ट अगले वाले पार्ट में करेंगे। तो हमने आपसे कहा कि पर डे एक चैप्टर कंप्लीट करना है, 30 दिन के अंदर आप ये देखेंगे कि मान के चलिए जनवरी समाप्त होते होते तक आप अपने आप को अगर पाएंगे। जैसे कुछ हमारे साथी हैं वो थोड़ा सा वो पता नहीं क्या, मतलब मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी बहुत ज्यादा टेंशन में है कि समय कम है, जो है उसी में पढ़ लो यार, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस वही हाई स्कूल इंटर वाली कहानी है कि हम लोग बताइए हाई स्कूल इंटर में 1-1.5-2 महीने पहले पढ़ते थे और जितनी उम्मीद नहीं रहती थी, कभी कभी उतने नंबर लेके आए हैं ना। तो पढ़िए, फालतू चीजों पे बहस करने से अच्छा है पढ़ना शुरू कर दीजिए, और एक एक जैसे आप कहीं से एकदम सिलेक्टेड चीज पढ़िए कि हाँ बस वही चीजें पढ़ना है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, यही चैप्टर में 4-4 वीडियो में आपको मैं पढ़ाता, लेकिन अब हमको वो चीजें छांट करके लानी है जो केवल आपके लेवल की हो और जो आपके पेपर में आनी हो, वही चीज सेम पढ़ा रहा हूं आपको। और ऐसा देखिए इन चीजों पर आप, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस, और मेरी कोशिश रहेगी आपको समझाने के बाद आप सीधे सीधे आप प्रैक्टिस चैप्टर पर आइए। लगभग आप ये जब चैप्टर में आपको पढ़ा लूं तो आधे घंटे आपको केवल आपको पेपर को आपके बुक में अपने देने हैं, और बुक में आधे घंटे का मतलब होता है कि लगभग 30 मिनट, और 30 मिनट में आप लगभग लगा सकते हैं 35 सवाल के आसपास, और 35 सवाल लगा लेंगे चैप्टर आपका अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए देखते हैं, देखिएगा उसको हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, इसको इस डिपार्टमेंट को पूरा भी खत्म करेंगे, इसके लगभग सवाल भी हम आपको करवाएंगे अच्छे खासे। देखिएगा समुच्चयों के बीच संबंध, देखिए होगा क्या कि इनमें इसी तरीके को कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। होगा भैया इसे कि एक आपको बंद आकृति दी जाएगी, जो जितनी भी आकृतियां रहेंगी वो बंद रहेंगी, जैसे ये वाला सर्किल बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। और इसके साथ साथ आपको ये, जैसे यहाँ पर आपने भारत, जयपुर, राजस्थान लिख लिया है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं लखनऊ कर देता तो आपको पता है कि अलग अलग बन जाता, जैसे कि राजस्थान अलग है, लखनऊ अलग है, क्योंकि ये तो ये आकृतियाँ अलग अलग होंगी। तो दरअसल ये जो आकृतियाँ बनती हैं इनमें, जैसे आपको ये लग रहा होगा कि जो बड़ा वाला है ये भारत का है, ये राजस्थान का है, लखनऊ का, हाँ ये सही बात भी है। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको जो ये सर्किल बने होते हैं इनमें किसी का नाम नहीं लिखा होता है, नाम से उनको ना तो आपको पेपर में ऐसा नाम मिलेगा कि ये वाला भारत का है, कि ये राजस्थान का है, लखनऊ का है। आप कोशिश ये करिए कि उसी तरीके से कुछ बनाइए, उनके बीच में क्या रिश्ते हो सकते, रिलेशन बन सकता है, ओके हो क्या है, वही चीज आपको वहां पर दर्शाना होता है। एक चित्र के माध्यम से आपको दर्शाना होता है कि ये जो लखनऊ है ये भी भारत में है, राजस्थान है ये भी भारत में। ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान ये वाला हो, लखनऊ इधर वाला सर्किल हो, इनसे जो पेपर बनाते हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं। आप सही रिलेशन अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं फिगर पर भी पहुंच पाएंगे। तो उनमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है, क्या क्या बातें होती हैं जरा आप देखिएगा, आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। तो देखिएगा इन तीन तरीके के जो होते हैं इसमें संबंध होते हैं। संबंध का क्या मतलब होता है, देखिएगा संबंध पूर्णता संबंध का मतलब यह होता है कि जैसे अगर मैं कह दूं कि मान लीजिए कोई एक मनीष नाम का लड़का है, मनीष, और उसके बाद लिख दूं मैं पुरुष, तो देखिएगा अगर इनका मैं सर्किल बनाऊं तो यह पूर्णता संबंध का मतलब यह है कि मनीष का सर्किल यहां बने, मनीष क्या है, पुरुष है, तो उसको इस, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि वो पुरुष है, तो उसको क्या करेंगे इस सर्किल के आधार पर उसको दर्शा देंगे। देखिएगा इसको थोड़ा समझ लीजिए, बस इसके बाद डायरेक्ट सवाल पे आएंगे, आपको समझाएंगे हर चीज। आंशिक संबंध, आंशिक संबंध का मतलब ये होता है कि जैसे होता है मान लीजिए शिक्षक, और शिक्षक के बाद इधर हो गया महिला,
महिला। आपको पता है कि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं, ऐसी होती हैं जो महिलाएं होती हैं। तो ये हो गया आंशिक। आंशिक का मतलब इनके इनके बीच में थोड़ा संबंध रहेगा, संबंध रहेगा, पूरा नहीं रहेगा, ठीक है ना। और जैसे पूर्णता संबंध का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने कुर्सी लिख दिया, और कुर्सी के बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे मेज लिख दिया, तो कुर्सी अलग होती है मेज अलग होती है, तो जाहिर सी बात है कि कुर्सी का सर्किल अलग बन जाएगा, मेज का अलग बन जाएगा। अगर मान लीजिए अभी मैं यहाँ फर्नीचर लिख देता, फर्नीचर लिख देता, तो आपको पता है कुर्सी और मेज दोनों फर्नीचर है, तो इनके ऊपर एक सर्किल बन जाता फर्नीचर का। तो इस तरीके से इनको संबद्ध बनाना होगा। और हम क्या करते हैं, लगभग यहाँ पे 10-15 सवाल लिखेंगे, और हर एक सवाल में आपको कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप समझ पाएं, ताकि आपके सोचने समझने की क्षमता थोड़ी सी डिफरेंट हो पाए। देखते हैं, सवाल लिख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अगर आप लगाना चाहें इसका तो आप भी बना सकते हैं, और इसके बाद जब मैं इसका सलूशन आपको बताऊंगा तो आप इनको चीज़ें को देखेंगे, आप कैसे क्या क्या इसमें सही है और क्या आप नया सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कोशिश रहेगी कि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊं मैं। देखिएगा, माँ और स्त्री काफ़ी आसान सवाल है। आपको पता है कि हमारी जो मम्मी है वो स्त्री है, तो माँ अंदर हो गई, अब इसके अंदर ये स्त्री, मतलब स्त्री के अंतर्गत ये एक सर्किल बना देंगे, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ, जैसे हमने यहाँ पर ये तो केवल दो शब्द लिया है, लेकिन आपके पेपर में हमेशा तीन शब्द अधिकतर पूछे जाते हैं, तीन शब्द आते हैं, उन्हीं तीन शब्दों के आपसे पूछा जाता है, है ना। और उन एक चीज और भी बता दें आपको, जैसे कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज देख, हाँ छोटू क्या है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा हाँ घर में है तो वीडियो रिकॉर्ड करने में सब चीज़ें आती रहती। चलिए देखिएगा, अगला सवाल यह है कि जैसे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, देखिएगा इसके बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है, क्योंकि आपकी जो सोच होगी, अगर आपने इन सबको बना लिया होगा, तो अगर आप इसके पहले पढ़े नहीं होंगे तो आपका सर्किल कुछ इस तरीके से बना होगा, क्योंकि आपकी नज़र में जो है एक डॉक्टर जो होता है थोड़ा बहुत वकील का भी काम कर लेता है, एक वकील जो होता है वो इंजीनियर का भी काम कर लेता है, तो और इंजीनियर थोड़ा बहुत डॉक्टर डॉक्टर भी जानता है। तो देखिएगा, अगर हम इसको ये देखें तो जो जो रीजनिंग के हिसाब से, और रीजनिंग का मतलब ये है कि एक चीज़ कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब भी कोई व्यक्ति, ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में टॉप लेवल पर वो पहुंचता है, तो वो किसी ना किसी एक ही विषय का वो विशेषज्ञ बन सकता है, वो चाहे डॉक्टर बने या वकील बने या इंजीनियर बने। या ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति पढ़ाई करता है तो किसी ना किसी एक ही उद्देश्य को लेकर के वो पढ़ाई करता है, वो चाहे वो उसका बचपन से डॉक्टर बनने का सपना रहा हो, वकील बनने का या इंजीनियर बनने का, क्योंकि लोग बाकी तो पार्ट टाइम थोड़ा बहुत सबको जानते हैं, लेकिन एक ही विषय का वो विशेषज्ञ बन सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये बात पता है, क्योंकि इसका जो सर्किल बनेगा वो तीनों अलग अलग बनेंगे, नहीं आप ये सोच रहे हैं काहे लिए हम बता रहे हैं, वो का इसलिए बता रहे हैं, इसमें जो तर्क जानने की जब हमने कोशिश करी तो कुछ लोगों ने यही चीज़ें जो बताई कि जैसे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, लेकिन हमारे समझ से एक बात यहाँ पर एक तर्क वो लगता है कि जब भी हमें पता है कि हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, हमको कितने भी सब्जेक्ट की जानकारी क्यों ना हो, लेकिन हम अगर हमको काम करना है तो हम हमेशा किसी एक ही पद पर रह करके काम कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके पास वकील भी है, इंजीनियरिंग भी जानते हैं, डॉक्टर भी जानते हैं, तो अगर आपको सरकारी नौकरी आपको करनी है तो अगर आपको इंजीनियर हैं आप, और अगर आप सरकारी इंजीनियर हैं तो अगर आपको डॉक्टर या वकील आपको बनना है तो फिर इस पद को छोड़ना पड़ेगा, इस पर आपको पता है कि अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी आप जाकर के दूसरी वाली नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ये सबसे बड़ा रीजन हमें यही समझ आया, इसलिए तीनों अलग अलग ही बनेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको मैं बता दूं, जैसे अभी एक सवाल है इसमें, उसमें बताऊंगा आपको, पुरुष वकील लेखक वाले में बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे अगला है उत्तर प्रदेश, बिहार और वाराणसी। आपको पता है कि जो वाराणसी है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार इससे अलग है, तो उसको अलग बना देंगे आप, है ना। अगला देखिएगा, घंटा, मिनट और सेकंड। आपको पता है सेकंडों से मिलकर के मिनट बनता है और मिनटों से मिलकर के घंटा बनता है, तो इस तरीके से आप कर देंगे। स्त्री, माँ और बहन, ये सवाल थोड़े से अब ठीक आने लगे हैं, अभी और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपका कहीं मॉरल डाउन ना हो, इसलिए जानबूझ करके सवाल मतलब बहुत कठिन वाले नहीं लिखे हैं इधर। स्त्री, माँ और बहन, आपको पता है कि जैसे ये, क्योंकि माँ और बहन जो होती हैं दो की दोनों, ये पहली चीज तो ये स्त्री होती हैं, स्त्री होती ना, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि स्त्री का सर्किल हमने बड़ा सा बना दिया। अब माँ और बहन, ये दोनों का दोनों ही सर्किल कहाँ बनेंगे, अंदर बनेंगे। लेकिन आपको ये बात लग रही होगी कि जो हमारी मम्मी है वो भी स्त्री है, और हमारी जो बहन है वो भी स्त्री है, जैसे हमारी बहन है वो स्त्री है, तो आप जरा देखिएगा। लेकिन एक बात आपको ये पता नहीं होगी, जैसे आप ये सोचेंगे कि जो माँ और बहन होती है, तो देखिएगा जो जैसे हमारी मम्मी हैं, तो वो तो हमारी मम्मी ही हैं, हमारी बहन तो नहीं है वो, लेकिन वो किसी दूसरे की बहन भी हैं। और किसकी बहन, हमारे मामा की, हमारी मौसी की। तो एक चीज़ होता है कि एक ही व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से तो एक ही रिश्ते से जुड़ा होता है, लेकिन उसका किसी दूसरे से दूसरा रिश्ता भी होता है। जैसे तो इसमें आप जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि कुछ माँ जो होती हैं वो किसी न किसी की बहन भी होती हैं, कुछ माँ क्या होती हैं, किसी न किसी की बहन भी होती हैं, और कुछ बहन
कुछ जो बहन होती हैं वो किसी न किसी की माँ भी होती हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ, समझिएगा आप अच्छे से, क्योंकि बहन और ये हो गया माँ, जैसे ये दोनों स्त्री हैं, ये तो आपको कन्फर्म ही है। आप क्या करते, दोनों को अलग अलग बना देते। आप जरा समझो, देखो कुछ माँ जो होती हैं वो बहन होती है, जैसे हमारी मम्मी है तो ये बहन किसकी है, किसकी बहन है, हमारे मामा की, हमारे मौसी की। क्लियर हो गई बोल। अब आप कह सकते हैं सर जितनी भी माँ होती हैं वो सबकी सब बहन होंगी किसी न किसी की। मान लीजिए हमारी मम्मी जो है वो अकेली होती, हमारी अकेली होती, उनके ना भाई होते ना कोई बहन होती, तो किसी की बहन होती वो ना होती। अच्छा अब आप कह सकते हैं सर बगल वाले जो चाचा दादा में होता है, तो इस तरीके से यार हर आदमी कोई ना कोई बहन होता है। ये इस बात की पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि हाँ कुछ जो माँ है वो कहीं ना कहीं बहन हो सकती है। अब आप ये कह सकते हो सर आपने तो थोड़ा सर्किल किया है, इसको इतना बड़ा ले आओ, क्योंकि कम से कम आधी तो माँ ऐसी है ही जो बहन है। तो चाहे भैया इसका नियम यह है, चाहे इतना आप करो और चाहे इसको यहां से लेके आओ, इसका मतलब वो उतना होता है, कुछ है माना जाता है उसको, इसमें वो नहीं होता, क्योंकि बनाने में और देखने में डिजाइन में थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए वो चीज उतनी ही बनाई जाती है। जैसे माँ का सर्किल ये बनाया गया, बहन का इतना बना दिया जाता है। ठीक, आप देखो अब जैसे मैं ये बता रहा था, जैसे माँ है तो माँ, जैसे माँ हमारी मम्मी किसकी, किसी न किसी की बहन है, किसकी जो है मौसी की और मामा की बहन है। और हमारी जो बहन है, हमारी जो बहन होंगी वो किसी न किसी की माँ भी तो हो सकती है। जैसे हमारी बहन है तो अब भांजा और भांजी की वो माँ भी तो हो सकती हैं। तो उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ बहन क्या होती हैं, माँ भी हो सकती हैं, और कुछ माँ क्या हो सकती हैं, वो बहन भी हो सकती हैं। ये तो कन्फर्म ही है कि चाहे बहन हो और उसके साथ चाहे माँ हो, दोनों स्त्री होती हैं, ये तो कन्फर्म है ही है। आपको बात क्लियर हो गई होगी। हाँ ठीक, आगे देखिएगा, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और विवाहित। देखो आपको ये बात पता है कि जो खिलाड़ी का मतलब चाहे वो फुटबॉल खेलता हो, वॉलीबॉल खेलता हो, टेनिस खेलता हो, या इसके अलावा क्रिकेट खेलता हो, तो हम उनको खिलाड़ी ही बोलते हैं, खिलाड़ी बोलते हैं। अब जो जो क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे, आप समझिएगा, जो क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे, क्रिकेट के खिलाड़ी, वो खिलाड़ियों के अंतर्गत आएंगे। क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, हमारे जो क्रिकेट के भारतीय पूरी टीम है, वो खिलाड़ियों के अंतर्गत, क्योंकि हॉकी की भी टीम है, वो भी खिलाड़ी ही हैं, और एथलेटिक्स में जो है वो भी खिलाड़ी ही हैं। तो जो क्रिकेट वाली है, ये क्रिकेट वाली है, ये क्रिकेट, क्रिकेट की जो टीम है, क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ियों के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? खिलाड़ियों के अंतर्गत आएंगे। अब आप ये बताओ, जो क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ, ये बताओ, कुछ तो, कुछ की तो शादी हुई ही है, कुछ की शादी हुई है, और जो अन्य खिलाड़ी बचे हैं, मान लीजिए चाहे वो टेनिस हो या बैडमिंटन हो, मतलब जो भी है आपका, चाहे वॉलीबॉल हो या हॉकी हो, उन खिलाड़ियों में से कुछ की शादी हुई होती है, तो इनमें से क्या होता है, इसके भी कुछ विवाहित होते हैं, इसके भी कुछ विवाहित होते हैं, तो विवाहित वाला इधर बना देंगे, विवाहित इधर बन जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात आपकी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगवा अगर देखेंगे भैया ना, तो डॉक्टर पुरुष और इंजीनियर लिखा गया है, तो देखो डॉक्टर पुरुष और इंजीनियर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुरुष वाला सर्किल बनाते हैं, ये बना दिए पुरुष का सर्किल। अब देखो क्या होता है, जैसे डॉक्टर, तो भैया कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, पुरुष की बात कर रहा हूँ, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और उसके बाद कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो इधर क्या लिखा गया, इंजीनियर, इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर, इंजीनियर होते हैं। अच्छा अब आप एक चीज़, इसमें कई सवाल आपके मन में आएगा, जैसे पहला सवाल ये आएगा कि सर क्या ये डॉक्टर और इंजीनियर का सर्किल आपस में टच नहीं हो सकता, कुछ लोग तो इसको ऐसे बना दिए होंगे। अगर आप ऐसे बना दिए हैं तो देखो डॉक्टर तो पुरुष होगा, कुछ डॉक्टर पुरुष होंगे, और उसके अलावा कुछ इंजीनियर भी पुरुष होंगे, और अच्छा आप ये समझो, देखो हमने आपको बताया कि जब भी चाहे वो डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, जो भी ऐसी डिग्रियां जो पढ़ करके प्राप्त की जाती हैं, उनमें किसी एक ही विषय में व्यक्ति को जो है माना जाता है कि कहीं एक ही पद पर एक समय में नौकरी कर सकता है। ठीक है, तो आप जरा समझो, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो इंजीनियर और डॉक्टर का सर्किल तो आपस में वैसे भी नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई बात। आगे देखो, अब जो पुरुष हैं, उन पुरुषों में, दुनिया में जितने पुरुष हैं, उन पुरुषों में से कुछ तो इंजीनियर हो गए। अब आप कह सकते हैं सर इतने सर्किल का इतना हिस्सा थोड़ी इंजीनियर है, तो आप इसको चाहे कम कर लो चाहे ज़्यादा, वो डिजाइन के लिए होता है भैया, कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, इस हिसाब से बनाया जाता है। बाकी हम इतने में करेंगे तब भी कुछ है माना जाएगा, इतने से लेके जाएंगे सर्किल को तभी कुछ माना जाएगा। तो जैसे डॉक्टर हो गया, तो कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो डॉक्टर भी होते हैं, और कुछ डॉक्टर, जैसे अब बात कर लें कि जैसे जितने भी डॉक्टर हैं उनमें से कुछ पुरुष हैं, और जो बचे हैं वो क्या हैं, महिलाएं हैं। यहाँ महिलाओं की कोई चर्चा नहीं की गई, तो महिलाओं का हिस्सा छोड़ दिया गया है, वो महिलाएं हो गई। जैसे पुरुष, कुछ पुरुष क्या है, जैसे जितने भी इंजीनियर हैं उनमें से क्या है, कुछ पुरुष हैं, और उसके बाद कुछ क्या है, महिलाएं। अब आप ये कह सकते हैं सर महिलाओं का हिस्सा तो आपने ज़्यादा दिखा दिया, बल्कि जो है इंजीनियर जो है वो देखा जाए तो पुरुष ज़्यादा है, तो इससे ये मतलब नहीं, इसका आप हिस्सा इससे चाहो तो और पास में ला सकते हो, उसको और छोटा बना सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है आपका। ये नहीं देखना है कि आपने 10% इधर कर दिया, 90% आपने इधर, इससे कोई लेना मतलब नहीं होता है आपका। बस आप इनके बीच में रिलेशन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, आपको जो है एग्जामिनर ये जानना चाहता है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, आगे बात करें।
पुरुष, वकील और लेखक। अब देखो भैया कि जो वकील होते हैं, कुछ वकील ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, लेखक होते हैं। आपको ये बात पता होगी कि जो वकील, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने वकील बना दिया और वकील ये वकील का हो गया, समझिएगा वकील हो गया और इधर ये क्या हो गया, लेखक का हो गया। आपको ये बात पता है कि कुछ वकील लेखक होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि सर ये लेखक और वकील कैसे, फिर जब यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर आप टच नहीं कराएं तो लेखक और वकील कैसे। देखिएगा लेखक जो होती है वो कोई डिग्री नहीं होती है कि हम कोई चीज़ कर लें, बीए बीएससी बीकॉम या एमटेक बीटेक कुछ भी कर लें या पीएचडी कर लें तो हम लेखक बन जाएंगे, तब लेखक नहीं बनता है आदमी, लेखक हो गया। और एक शब्द आता है कवि, कवि। तो ये ऐसी चीज़ है कि जो आप क्या कहते हैं, आप डिग्री से हासिल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको वकील बनना है तो उसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, पढ़ा लिखा पढ़ना चाहिए। बल्कि जो वो लेखक होते हैं वो लिखते 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 उनकी कविताएं या उनका लिखा हुआ चीज़ें समझ आने लगती है, लोग एक लेखक कह देते हैं, या बहुत अच्छा कोई कह रहा है, कोई कविता गा रहा है बढ़िया तो उसको कवि कह देते हैं। तो जैसे हमको मान लीजिए कवि बनना है, हम कहते हैं भैया कौनो डिग्री विश्वविद्यालय में कौनो डिग्री है हमका बताओ, जाए कर ले कवि बन जाइए, तो कवि ऐसे नहीं बनते। वो हम चीज़ें अपनी लिखेंगे, चीज़ों को जॉर्ब करेंगे, देखेंगे कहाँ से किस चीज़ पर हम लिख रहे हैं, भक्ति पर लिख रहे हैं या गांव समाज की संस्कृति पे लिख रहे हैं या किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए लिख रहे हैं, वो तमाम तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तब कभी आदमी, और कवि की उपाधि कहाँ कौन देता है, गांव भाई देश दुनिया देखिए कुमार विश्वास है उनको कवि कहा जाता है क्योंकि दुनिया उनको देख रही है, लोग उनको कहने लगे, इसलिए कहने लगे क्योंकि वो अच्छा अच्छा उसमें सुना रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही चीज़ें। तो वही सेम चीज़ लेखक की भी होती है। देखिए तो जैसे हम ये बात करें कि जो वकील होता है और लेखक, तो कुछ वकील क्या हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। अब बात आई पुरुष की, तो आपको यह बात पता होगी कि कुछ जो, देखो जैसे लेखक है तो कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो पुरुष होते हैं और कुछ वकील भी ऐसे होते हैं जो पुरुष होते हैं। तो इसका सर्किल कुछ इस तरीके से हम बना देंगे, इसका जरा मतलब आप समझ लीजिए। देखिए वकील है, अच्छा कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सर ये जो लेखक शब्द दिया गया है वो लेखक और लड़की महिलाओं के लिए, तो लेखिका शब्द यूज होता है। तो देखिएगा यहाँ लेखिका वकीिका नहीं पूछा जाए, यहाँ डॉक्टर की जगह डॉक्टराइन नहीं पूछा जाएगा, इंजीनियर की जगह फीमेल में इंजीनियर को क्या कहते हैं मुझे पता भी नहीं है सब। वैसे बहरहाल किसी भी पद को उसी पद, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको उसी से कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए शिक्षक आ जाएगा तो लड़कियों के लिए शिक्षिका नहीं कहा जाएगा, लेखक के लिए लेखिका नहीं कहा जाएगा, लेखक कहा गया तो लेखक में महिला पुरुष दोनों शामिल होते हैं। अब इन्हीं लेखकों में आपको पता है कि कुछ ऐसे लेखक होंगे जो पुरुष होंगे, कुछ लेखक क्या होंगे पुरुष होंगे, और कुछ पुरुष भी ऐसे होंगे जो लेखक होंगे, और कुछ वकील। अब वकील के लिए अलग कोई शब्द नहीं आएगा, लड़कियों के लिए अलग आता हो तो। अब देखिए इस वकील, कुछ वकील ऐसे होंगे जो पुरुष होंगे और कुछ पुरुष भी वकील हो जाएंगे। हाँ ऐसे कुछ व्यक्ति इसमें, देखिए यही चीज आपको इसमें समझनी होती है ना, कुछ लोग इसका कुछ अलग ही बना दिए, पता चले कि जैसे पुरुषों के बीच में दोनों को ला के खड़ा कर दिए कि कुछ वकील लेखक और लेखक, और जितने लेखक होते हैं सब पुरुष होते हैं, जितने वकील होते हैं सब पुरुष होते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको देखेंगे कुछ महिलाएं भी जो हैं वो लेखक होती हैं और कुछ वकील भी लेखक, वो वकील भी महिलाएं होती हैं। ठीक है आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, सूर्य तारा और ग्रह, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। आपको पता है कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, पता है नहीं पता समझ लो ये सब। अब देखो एक चीज़ और बता दें, अगर हमको चीज़ों की जानकारी नहीं है जीएस या हम सामान्य भाषा में कहें तो हम अन्य चीज़ों की, अगर हमको परख थोड़ी सी कम है या समझने की क्षमता कम है तो ये सवाल लगाने में आप ही उल्टा सीधा बना डालेंगे आप। लेकिन हाँ ये है कि हो या ना हो, लेकिन जो सवाल आते हैं वो मान के चलिए 10-20-50 सवाल के ही आसपास सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, उन्हीं को हम लोग एक बार कवर कर लेंगे तो लग जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि पता चले दुनिया घूमने चल दें हम। कि अब देखिए सूर्य क्या है, एक आपको पता है कि एक तारा है, सूर्य ये हो गया भैया अपना, और सूर्य क्या है, एक तारा। आप कहते हो आपको जैसे तारा तो रात में दिखाई देता है और सूर्य तो नहीं दिखाई देता, तो भैया ये आपकी नॉलेज की कमी है, उसको मैं जियोग्राफी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, सूर्य क्या है, तारा है, और जो ग्रह होता है वो अलग होता है, इसलिए उसका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो तारे होते हैं जो आपको लगता है रात में टिमटिमाते हैं, वो भैया क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है, सूर्य पास में है इसलिए उसका दिन में तो प्रकाश पड़ता है, और वो बाकी जो दूर हैं उनका प्रकाश हमारे तक नहीं आता, तो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं आपको। ठीक है, ऐसे समझिए। देखिए अगला है डॉक्टर, इंजीनियर और वकील। आपको मैंने ये बताया था क्योंकि ये तीनों डिग्रियां ऐसी लिखी गई हैं जो हमें पढ़ लिख करके मिलती हैं। तो देखिए अगर डॉक्टर यहां हो जाएगा, इंजीनियर यहां हो जाएगा, वकील यहां हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इनमें कोई भी नाम भी लिखा, नाम तो लिखा नहीं होता कि इनमें कौन सा डॉक्टर, कौन सा इंजीनियर, कौन सा वकील है। तो आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी अगर आप बताएंगे इनमें, मान लीजिए आप इसको वकील कह दीजिए, इसको डॉक्टर, इसको इंजीनियर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एग्जामिनर ने लिखना ही रखा है। अगला है भाषाएं, अंग्रेजी और कन्नड़, ये तो आसान सवाल है, आपको पता है अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा होती है, दोनों अलग अलग हैं। बाघ, सिंह और जानवर, आपको पता है कि बाघ और सिंह दोनों क्या होते हैं, जानवर ही तो होते हैं, बाघ और सिंह दोनों जानवर होते हैं, तो जानवर के अंतर्गत दोनों को रख दिए हम, है ना। ठीक है आगे देखिएगा, आगे समझेंगे। जैसे पुस्तकालय है, पुस्तकें हैं, और रैक रखा है। देखो भैया
रैक का मतलब पता नहीं कुछ लोग नहीं समझ पा रहे, रैक का मतलब भी होता है जैसे हम लोगों के यहाँ घर में अलमारी बनी होती है, तो उसी तरीके से हम लोग जैसे पुस्तकालय, कभी आप लाइब्रेरी जाए गए होंगे तो हमने जो देखा उसमें लोहे वाला उस तरीके का बना होता है, उसी को रैक कहा जाता है, या आप अलमारी को भी कह सकते हैं उसमें तो जो किताबें रखी जाती हैं, जिसमें किताबें रखी जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पुस्तकें होती हैं वो पुस्तकें कहाँ रखी जाती हैं, पुस्तकें कहाँ रखी जाती हैं, रैक में रखी जाती हैं, और रैक कहाँ होती है, पुस्तकालय में होती है। अब आपके मन में तमाम सवाल आएगा, कहेंगे सर जी ये बताइए कि जितनी पुस्तकें सब रैक में ही रखी गई हैं या जितने रैक हैं सब पुस्तकालय में ही हैं। तो देखो भैया, या अब बात करें तो क्योंकि हर जगह तो पुस्तकालय है, हर जगह तो रैक है, तो अगर आपके घर में भी किताबें यहाँ वहाँ पड़ी हैं तो गलती किसी और की नहीं, वो आपके, उसको रैक में रखिए सही से। और जब जिन जगहों पर, जरूरी नहीं कि पुस्तकालय का मतलब एक बहुत बड़ा होता है, आपके घर में अगर एक अलमारी भी आपने अगर सही से संजो करके बना करके रखी है, अगर मेज पर कहीं पर भी रखे हैं और ससम्मान उनको रखे हैं, तो आपके लिए वही आपका पुस्तकालय हो जाता है, ठीक है ना। तो उनको जब व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, बाकी ये कहें कि दुनिया की सारी पुस्तकें एक ही पुस्तकालय में है तो ऐसा तो है नहीं, जो जिस पुस्तकालय में है वो रैक में रखी गई किताबें होती हैं और उनको वो किताबें का जो पुस्तकें होती हैं वो रैक में रखी होती हैं, और रैक कहाँ होते हैं, पुस्तकालय में होते हैं। वो आपके लिए एक छोटा पुस्तकालय ऐसा हो सकता है आपके घर में आपके बन सकता है, लोग रीडिंग रूम बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। बहरहाल क्या है कि जैसे हमको ये चीज़ थोड़ा सा सोचने में मतलब ये लगता है कि नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, होता नहीं है लेकिन है ऐसा, ठीक है ना। जब ये चीज़ें हम समझेंगे तब आएगी समझ में बात। आगे देखिए, गायक, लड़के और नर्तक। नर्तक का मतलब भैया डांसर, यहाँ जो लोग डांस वांस करते हैं उनके बारे में कहा गया, नहीं नर्तक आपने समझ। देखिएगा, आपको पता है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं, जो लड़के हैं वो गायक होते हैं, गायक होते हैं ना, हमारे कुछ भाई देखिएगा वीडियो बनाते हैं, कुछ भाई हैं ऐसे, लड़के क्या होते हैं, गायक होते हैं, वो लड़के क्या होते हैं, गायक होते हैं। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो डांसर भी होते हैं, डांस भी कर लेते हैं बढ़िया, है ना। अब कुछ देखिएगा, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो डांस भी कर लेते हैं, नर्तक भी होते हैं, और उन्हीं लड़कों में जो डांस करता है वो गायक भी होते हैं कुछ, उसी में क्या होते हैं, कुछ गायक भी होते हैं। अच्छा, आपको मैं बता दूं, जैसे गायक हो गया, नर्तक हो गया, तो ये सब डिग्रियां जो होती हैं, ये आदमी आपने देखा होगा कि जैसे हमको लगता है गायक और नर्तक में मैं किसकी बात करूं, हमारे ख्याल से अमिताभ बच्चन जी ही हैं, डांस भी करते थे, बहुत अच्छा नहीं करते, जितना करते थे जो जैसा करता था यार, इतने बड़े कलाकार हैं वो, कई फिल्मों में उन्होंने गाने भी गाए हैं, तो वो क्या है, वो गायक भी हैं, नर्तक भी हैं, लड़के भी हैं। तो कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो लड़के ऐसे भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, नर्तक यानी डांसर भी होते हैं और गायक भी होते हैं, और लड़के तो वो होते ही हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गई होगी बात, आप आगे समझ लीजिए। देखो जैसे अगला देख लीजिए, कबूतर, पक्षी और कुत्ता। आपको देखिए ये बात पता होगी कि जो कबूतर है वो क्या है, एक पक्षी है, और कुत्ता अलग हो जाएगा, क्योंकि कुत्ते का ना पक्षी से कोई मतलब है ना तो कबूतर से कोई मतलब है ना, क्योंकि वो उसका अलग है, उसकी जाति अलग है। महिलाएं, बहनें और पत्नियां, ठीक है। देखो ये सवाल बढ़िया आया है। देखो आपको ये बात पता है कि महिलाएं, देखो ये दोनों ही महिलाएं हैं, ये तो कन्फर्म है आपको, दोनों ही क्या है, महिलाएं हैं, बहनें और पत्नियां। हमको पता है कि जैसे कुछ बहनें हैं, जो बहनें हैं वो जैसे मान लीजिए हमारी जो हमारी बहन है अगर, तो वो किसी न किसी की पत्नी भी हैं, किसी न किसी की पत्नी भी हैं। तो कुछ जैसे ये जो बहनें हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बहनें, जो बहनें हैं, और ये क्या लिखा है यहाँ, पत्नियाँ। तो देखो भैया, देखो जैसे इसका मतलब ये हो गया कि कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं जो किसी की बहन भी होती हैं, और कुछ बहन ऐसी होती हैं जो पत्नियां होती हैं, इसका मतलब आप समझो जरा। देखो जैसे हमारी बहन है, तो हमारी जो बहन है वो किसी की पत्नी भी हो सकती हैं, किसी की पत्नी हो सकती हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर इस हिसाब से तो जितनी बहनें होती हैं किसी न किसी की पत्नियां बनेंगी, होती हैं। तो देखो जैसे मान लीजिए कि आप अभी हमारी कोई 8-10 साल की कोई हमारी बहन हो, तो वो उसकी तो शादी हुई नहीं है, तो वो किसी की पत्नी तो अभी नहीं हो पाएगी, तो इसका मतलब वो केवल हमारी बहन है, ना कि किसी की पत्नी। अब देखिए जैसे कुछ पत्नियां होती हैं वो किसी न किसी की बहन होती हैं, जैसे मान लीजिए हमारी शादी जिनसे हो वो हमारी पत्नी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो किसी की बहन भी तो हो सकती हैं, किसी की बहन भी हो सकती हैं। लेकिन आप कहेंगे कि सर जी इनमें आपने कुछ ही पत्नियों को बहन दिखाया है, तो ऐसा भी तो हो सकता है बाबू कि हमारी जो पत्नी हो, हमारी पत्नी हो, वो मान लीजिए अपने माँ बाप की अकेली संतान हो, तो वो तो किसी की बहन नहीं होंगी ना, फिर वो तो किसी की बहन नहीं होंगी। तो इसलिए कुछ पत्नियां ऐसी भी होंगी जो किसी की बहन नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। मानव, पक्षी और पशु। देखो भैया, मानव, पक्षी, पशु कैसे होगा, आपको यह बात पता है कि जितने भी
मानव अलग हो जाएगा, पक्षी इसमें अलग हो जाएगा, पशु अलग हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि ये मानव भी तो एक पशु है, मानव भी तो एक पशु। हम लोग तो बोला जाता पढ़ने में कि पहले तो काका बंदरे रहे हम लोग, अब हो गए तो अलग बात है। तो देखो भैया यार, ये सब चीज़ें कुत्तों अच्छा सोच सको, अब तो सोच लो ठीक से। तो इस आधार पर देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको मतलब जानकारी भी खतरेबुल है। आप देखो ये तीनों अलग रहेगा भैया, ये मानव भी अलग रहेगा, पक्षी भी अलग है, पशु भी अलग ही रहेगा, ठीक है ना। मानव को आपको पशु की श्रेणी में नहीं ले जाकर रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे, शेर, लोमड़ी और मांसभक्षी। मांसभक्षी का मतलब ये होता है वो जानवर जो मांस खाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है मांसभक्षी, शेर भी मांसभक्षी होता है, लोमड़ी भी मांसभक्षी होती है, क्योंकि लोमड़ी भी मांस खाती है और शेर भी खाता है, ठीक है ना। और अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि सर शेर और लोमड़ी को आपस में मिला दिया जाए तो क्या कोई शेर लोमड़ी होता है, क्या कोई लोमड़ी शेर होगा? नहीं होगा ना, इसलिए अलग होगा। अगला देखो, समाज, शिक्षक और छात्र। इसका जो लोग बनाएंगे, जैसे आपको ये पता है कि समाज, तो देखो चाहे वो शिक्षक हो और वो चाहे छात्र हो, दो के दोनों कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं, समाज में ही रहते हैं ना हम लोग, रहते ही नहीं रहते। समाज का मतलब ये नहीं होता कि केवल गांव, आप अपने शहर का भी देखेंगे तो शहर का भी एक हर एक आदमी का एक समाज होता है, ठीक है ना। उसका क्या नाम, अपना कल्चर होता है, उसकी अपनी व्यवस्थाएं, उसके अपने नियम कानून होते हैं। तो हर एक जगह जैसे समाज है, तो समाज में कौन कौन रहता है? शिक्षक भी रहते हैं, छात्र भी रहते हैं। तो आप इसमें कुछ इस तरीके से बना देंगे कि कुछ जो शिक्षक हैं जो छात्र भी हैं, और कुछ छात्र हैं जो शिक्षक भी हैं। लोग पूरा गलत है, ये गलत है। ये देखिए, बात ये है कि जैसे हमने जो इसको जानने की कोशिश करी, तो देखिए हर एक सवाल का बहुत बड़ा रीजन दोस्त नहीं हो सकता है, लेकिन क्या है ना कि हम लोग जैसा भी देखते हैं कि विभाग में सवाल पूछा गया, और सवाल पूछने के बाद जो है उन्होंने जो आंसर दिया उसी के आधार पर हम तर्क लगा देते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि उन्होंने जो बताया है क्वेश्चन में बताया गया, वो ये बताया गया कि जैसे ये समाज है, तो समाज का जो है शिक्षक अलग होगा और छात्र अलग होगा। उनका कहने का मतलब ये होता है कि जिस समय हम पढ़ा रहे होते हैं उस समय हम छात्र नहीं होते, और जिस समय हम पढ़ रहे होते हैं उस समय हम शिक्षक नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम इनको अलग करेंगे। तो देखिएगा, कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, फिर बताते हैं आपको। चलिए देखिएगा, कुछ सवाल हमने फिर से लिख लिए हैं, आप इनको अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बाकी फिर हम इसको बताना शुरू करते हैं, है ना। देखिएगा देखिएगा, सबसे पहले तो ये सवाल जो पहला वाला है यही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप क्या सोचते हैं वो अलग बात है, होता क्या है वो कुछ और है, है ना। क्योंकि अब आप क्या सोच रहे हैं वो तो अगर आप सही लगा पाए होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो, मामा, भाई, पुरुष। देखो एक बात तो ये कन्फर्म है कि ये जो मामा होते हैं ये भी पुरुष होते हैं, भाई जो होते हैं ये भी पुरुष होते हैं, ये तो क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि पुरुष के अंदर मामा भी आएंगे और भाई भी आएंगे, दोनों लोग पुरुष के अंदर ही होंगे। अब इनको कैसे रखा जाए, ऐसे ऐसे रखा जाए, या इन दोनों को ऐसे ऐसे कर दिया जाए, या इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। देखो अब जरा गौर से समझना, भाई और मामा, मामा एक बात ये बताओ कि जितने भी मामा होते हैं, जितने भी मामा हैं इस दुनिया में, वो क्या सभी भाई हैं? जितने मामा हैं वो सभी भाई हैं? अब सोचो आप, तो आप कहोगे हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं सोच सकते तो हम बताते हैं, सुनिए। इस दुनिया में जितने भी मामा हैं वो सभी भाई हैं, वो सभी भाई हैं। जितने मामा हैं वो सभी भाई हैं। अब जैसे हमारे मामा हों अगर तो भाई हैं, हमारे तो भाई नहीं हैं वो, लेकिन किसके भाई हैं? मम्मी के। और ऐसा कोनो मामा ही ना हो जो किसी का भाई ना हो, क्योंकि वो मामा बना है तो अपनी बहन का जो बेटा या बेटी होगी उन्हीं की वजह बनेगा। और वो मामा बना नहीं, कि मामा का मतलब यही हुआ कि वो किसका भाई होगा, समझ रहे ना आप मेरी बात? हाँ, मम्मी का या मौसी का तो मम्मी का भाई हो गई। तो इसका मतलब यही है सीधे सीधे से कि जितने भी मामा हैं वो सभी क्या हैं? भाई हैं। और जितने भी भाई हैं वो पुरुष हैं, तो आप जानते ही हैं। और आप ये कह सकते हैं कि अब जैसे इसमें और आपका क्या सवाल हो सकता है कि सर इसमें आपने लिखा है आपके हिसाब से कुछ भाई जो हैं वो मामा होते हैं, कुछ भाई मामा होते हैं। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भाई ऐसे होते हैं जो मामा हैं, लेकिन हाँ सभी भाई मामा हों ये जरूरी नहीं है। इसमें इसका मतलब यही हुआ कि सभी भाई मामा हों ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कुछ भाई ऐसे होंगे वो मामा होंगे। इसको आप अपने मन से समझने की कोशिश करिएगा, और इसको तो समझ लीजिए, जितने मामा हैं वो उतने वो उस भाई होंगे, क्योंकि मामा होने का मतलब है कि वो किसी न किसी के उनकी जो बहन होगी उन्हीं के बच्चे उनको मामा कहेंगे। तो वो मामा तो उनके हैं, लेकिन भाई किसी न किसी के हैं, वो कंफर्म है किसके हैं, क्योंकि अपनी बहन या भाई, हाँ अपनी बहन के, अपनी बहन के वो भाई होंगे, तभी तो मामा बनेंगे ना। चलिए आगे देखिए,
घी है, वसा है, भोजन है। आपको ये बात पता है, वसा का मतलब ये होता है जैसे फैट, जिसको आप कहते हैं ना वसा बहुत ज़्यादा हो गया, फैट हो गया। तो देखो इसका मतलब ये, घी एक वसा है ये तो आप जानते ही होंगे, और वसा जो है वो भोजन के अंतर्गत आता है। आप देखिए इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हैं कि सभी जो घी हैं वो क्या हैं, वसा हैं, और सभी वसा क्या आते, किसके अंतर्गत आते हैं, भोजन के। आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें तो कुछ घी ऐसा भी होता है कि जो मतलब हम लोग देवी देवताओं को पूजने आरती में भी चढ़ाते हैं, और इसके अलावा नाश्ते में भी कोई चीज़ बनाना होता है तो घी, तो उसको आप, आपकी लैंग्वेज में नाश्ता बोला जाता होगा, लेकिन अब ये समझ लो रीजनिंग की लैंग्वेज में वो भोजन ही है, ठीक है ना। और भोजन का मतलब देखिएगा इस तरीके से, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका केवल एक ही यूज होता हो, ठीक है ना। तो उस इस हिसाब से जो है वो कहीं ना कहीं, जैसे घी की पूड़ियाँ बनती हैं, घी की पूड़ियाँ बनती है ना, तो जब आप सोचिए जितना अगर आपके घर में एक दिन घी की पूड़ी बन जाए, तो जितना हम महीने भर में आपके यहाँ घी मतलब थोड़ा बहुत यूज होता होगा, उतना तो एक दिन में खर्चा हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको इसमें ये समझना पड़ेगा कि जो घी होता है वो वसा, और वसा किसके अंतर्गत आता है, भोजन के। न्यायाधीश चोर और अपराधी, देखो भैया आप लोगों को ये पता है कि जो चोर होते हैं, जो चोर हैं वो अपराधी हैं, आपको पता है अपराधी हैं, ये जानते ही होंगे आप, समझ गए होंगे, क्योंकि चोर एक अपराधी होता है। अब बात आई न्यायाधीश की, तो आप कहेंगे कि सर जी न्यायाधीश वो तो कुछ तो घूस लेबे करता होगा, अब हमको भले नहीं पता है। तो देखो अगर आपको लगता है कि न्यायाधीश में अपराधी हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं, तो एक बात आपको मैं बता दूं, वो फिर वो न्यायाधीश नहीं होंगे, फिर वो फिर समझ लीजिए उनको चोरे मान लीजिए और क्या बताएं, तो न्यायाधीश। तो देखिएगा इनको क्या करिएगा, इनसे अलग ही बनेगा ये, और यही आंसर भी इसका है। हम आप भले ये चीज़ सोचते हो कि न्यायाधीश भी होंगे तो वो थोड़ा बहुत घूस लेते होंगे, तो देखिएगा होता है ना कि जैसे आपको ये लगता होगा कि उस स्कूल में नकल होती है, उस स्कूल में नकल नहीं होती है, वहां पढ़ लें जाके हम टेंथ वहां से पास कर लें, डिग्री हाई इंटर वहां से पास कर लें। लेकिन अगर जब बाबू आपसे ये कहा जाएगा ना, आप ये केवल कह सकते हैं कि, लेकिन आपसे कहा जाएगा साबित करो कि वो उस स्कूल में नकल होती है, इस स्कूल में नहीं होती है, तब आप केवल कह देंगे कि हमको तो पता ही था ऐसा होता है कि हमारे साथ वो नहीं, क्योंकि भैया सबूत मांगती है। हाँ तो सबूत तो है नहीं, कोई न्यायाधीश जिस दिन पता चलेगा कोई भी न्यायाधीश जो अपराधी है चोर है, तो वो अपने पद पर रहकर फिर काम वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, फिर वो हट ही जाएगा उस पद से, न्यायाधीश नहीं रह पाएगा, ठीक है। पुरुष पिता और इंजीनियर, देखो बाबू इसको क्या करना है, पुरुष हो गया, पिता हो गया, इंजीनियर हो गया, आपको पता है कि जितने भी पिता होते हैं वो पुरुष होते हैं, होते नहीं होते, जितने भी पिता हैं वो सभी क्या हैं, पुरुष हैं। और आपको पता है जो इंजीनियर हैं उनमें से कुछ पिता भी इंजीनियर हैं, और उसके साथ साथ कुछ कुछ पुरुष भी इंजीनियर हैं, और बाकी पुरुष भी हैं जो इंजीनियर हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, प्रबंधक काम मजदूर संघ और कामगार, देखिएगा एक बात ये कही, जैसे इसमें कामगार और मजदूर इनका मतलब आप नहीं समझ, प्रबंधक का मतलब ये समझ लीजिए किसी विभाग का थोड़ा सा मतलब टॉप लेवल वाले, है ना। तो और जो ये कामगार का मतलब जो लास्ट पायदान पर रह के जो लोग काम करते हैं, और उसके बाद मजदूर संघ का मतलब देखिए, मजदूर संघ जो होता है जैसे मान लीजिए लोग अपनी एक यूनिट बनाते हैं, यूनिट का मतलब ये होगा जैसे कि कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो उनकी जो मांगे होती हैं वो पूरी करना होता है, तो वो अपना एक संघ बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है वहां पे कोई कुछ 100-150-200 लोग काम कर रहे हैं, और अगर उनको उनकी जैसे मान लीजिए अचानक कह दिया गया कि नहीं ठीक है आप लोगों को यहां से इनमें से 50 लोगों को यहां से निकाल दिया जा रहा है, हमारे यहां काम नहीं है, तो बाकी जो 200 लोग बचेंगे वो कहेंगे हम भी काम पे नहीं आएंगे, क्योंकि रखना है तो सबको रखो, नहीं मेरे को नहीं रखेंगे। तो उनका अपना एक मतलब संघ होता है, यूनियन होता है, वो काम करेंगे तो कहेंगे साथ में करिए नहीं, क्योंकि आज ये 50 को निकाल रहे हैं कल हम 200 में से फिर 50 को निकाल देंगे, तो इसलिए वो उनका एक संघ होता है, वो यूनिटी के लिए काम करते हैं। तो जितने भी कामगार होते हैं वो एक मजदूर संघ की तरह काम करते हैं, एक मजदूर संघ में होते हैं, और जो प्रबंधक होते हैं वो इनसे अलग होते हैं, क्योंकि ना तो इन संघ का ये समर्थन करते हैं, क्योंकि ये आज आप मान के चलिए उस कंपनी का हेड मान लीजिए या कहीं विभाग का हेड मान लीजिए, तब वो इनका ना तो समर्थन करते हैं ना इनका साथ देते हैं, लेकिन हाँ ये है कि इनकी बातों को मानना तो पड़ता ही है, ठीक। चलिए पत्नी हो गया, पति पत्नी और परिवार, आपको ये बात पता है कि दोनों व्यक्ति जो होते हैं वो परिवार के सदस्य होते हैं, और आपको ये बात भी पता होगा कि पति और पत्नी दोनों एक दूसरे में आपस में ये जो है सर्किल टच नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आपको कोई भी पति पत्नी नहीं होगा और कोई भी पत्नी जो है पति नहीं होगी, ठीक है, दोनों अलग अलग रहेंगे। आगे देखिए, माताएं महिलाएं और मौसी, बढ़िया सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल पारिवारिक संबंध वाले फंसते हैं, मैंने देखा है, कोई बात नहीं आप समझिए सब समझ आ जाएगा। देखो माताएं महिलाएं और मौसी, देखो बाबू एक बात तो ये पता है आपको कि मौसी और जो माता हैं ये दो लोग ये सब महिलाएं होती हैं, दोनों महिलाएं होती हैं तो कन्फर्म है कि महिलाएं हैं। अब अगर ये दोनों महिलाएं हैं, माताएं हों और मौसी हों, तो ये दोनों होती तो क्या है, महिलाएं ही। आपको लेकिन एक बात पता होगा कि कुछ माताएं ऐसी होती हैं, कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो मौसी होती हैं, जैसे कुछ है, माताएं, इसको समझाता हूँ आपको, और उसके बाद ये मौसी,
इसका क्या मतलब, जैसे हमारी मम्मी है वो किसी न किसी की मौसी तो है, हमारी माता है लेकिन किसी की वो मौसी भी हैं, और उसी की तरीके से जो कुछ मौसियाँ होती हैं, मौसी हैं वो किसी न किसी की माता भी होती हैं। तो इस तरह अब अगर आप ये कह दें कि जितनी भी माताएँ होती हैं, जैसे हमारी मम्मी हैं, तो ये कह दिया जाए कि दुनिया की जितनी भी माताएँ होती हों किसी न किसी की मौसी होती हैं। तो मान लीजिए कि जैसे हमारी मम्मी हैं उनकी कोई बहन ना होती ना हो अगर, तो उनके अगर बहन ना होगी तो वो मौसी कैसे बन सकती हैं, नहीं बन सकती हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो इस आधार पर जो है ये कुछ माताएं मौसी होती हैं और कुछ मौसी जो होती हैं वो माताएं भी होती हैं। आगे देख लीजिएगा, चाचा रिश्तेदार अमीर लोग, देखिए ये पारिवारिक मामला है, चाचा हैं तो चाचा, जब आप कहेंगे चाचा रिश्तेदार हमारे थोड़ी ना है, वो तो बगल में रहते हैं, हमारे बगल में हिस्सेदारी बंटवाए थे तब से बगल में घर बनवा लिए हैं, लेकिन ये थोड़ी ना माना जाएगा, चाचा कहे मानने जाते हैं, रिश्तेदार में भैया समझ लो रीजनिंग है ये, चाचा कहाँ हैं आपके, चाचा हैं रिश्तेदार, जितने चाचा हैं वो सभी क्या हैं, रिश्तेदार माने जाते हैं, नहीं इसका सोचो कि इस बगल में लिखे पड़ोसी लिखे तो फिर कहेंगे चाचा हमारे पड़ोसी, पड़ोसी अलग बात है लेकिन उसको रिश्ता माना जाता है, और रिश्ते में जितने लोग आते हैं उनको रिश्तेदार ही कहा जाता है। अमीर लोग, तो आपको पता है कुछ चाचा तो अमीर होते हैं और कुछ रिश्तेदार वो भी अमीर होते हैं, लेकिन सब तो अमीर होते नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन हाँ ये है कि कुछ चाचा भी अमीर कुछ रिश्तेदार भी अमीर। ठीक है, छिपकली शेर रेंगने वाले जंतु, छिपकली हो गया शेर हो गया, अब आपको पता है कि जो छिपकली होती है, छिपकली वो रेंग कर चलती है नहीं चलती बाबू, छिपकली क्या चलती है, रेंगने वाले में, रेंगने वाले जंतुओं में चलती है, और शेर क्या है अलग है ना, तो छिपकली से उसका कोई लेना देना ना रेंगने वाले से कोई। गाजर सब्जियां भोजन, देखो बाबू आपको पता नहीं होगा ये बात कि गाजर जो है वो एक गाजर जो सब्जियां हैं, जितनी भी सब्जियां होती हैं आपको ये बात पता होगा, जितनी भी सब्जियां होती हैं वो सभी भोजन में आती हैं, भोजन यानी भोजन में इस्तेमाल में होती हैं, और आपको ये बात नहीं पता होगी कि गाजर को भी एक सब्जी ही माना गया है, साइंस के हिसाब से गाजर क्या है एक सब्जी भी है, गाजर क्या है एक सब्जी भी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखिए, कुछ चीज़ों में बहुत बड़ा तर्क नहीं लगाना है हमको, अच्छा तर्क है ही नहीं इसमें कहाँ लगाएंगे क्या, अब उसने बता दिया हमारी साइंस इतनी कमजोर थी कि हम गाजर को आज तक तो सब्जी मानबे नहीं करते थे, उसको तो सलाद में काट के खाए हैं, तो हमको कहाँ मालूम कि गाजर सब्जी है, रीजनिंग में आया सवाल तो पता चला कि आपको भी बता दें नहीं सवाल आ जाएगा, तो आप इसको कहोगे कि गाजर ना तो सब्जी है और ना तो भोजन है, गाजर का कहोगे गाजर का अलग रखो दूसरे प्लेट में, सब्जी भोजन अलग प्लेट में, तो पता चला नंबर वो भी अलग प्लेट में दे देगा एग्जामिनर, यही लिए दिक्कत हो जाएगी, ये समझिए गाजर क्या है एक सब्जी है, ठीक है ना, ये आप समझेंगे इसको तो ठीक रहेगा। आगे देखिए, भाई पति और पुरुष, देखो भैया भाई ये भाई पति और पुरुष, देखो ये बात तो पता है कि दोनों क्या हैं पुरुष हैं, दोनों क्या हैं पुरुष हैं। अब जो भाई हैं, जैसे भाई आपको ये बात पता होगा कि कुछ भाई जो हैं वो क्या हैं पति हैं, भाई क्या है पति होते हैं, कुछ भाई क्या होते हैं पति होते हैं, इसका मतलब ज़रा समझो। देखो जैसे मान लीजिए हमारे बड़े भाई हों और हमारे बड़े भाई हैं अगर कोई, तो वो किसी के पति भी हो सकते हैं, किसी के पति हो सकते हैं ना, लेकिन हमारे जो छोटे भाई हैं उनकी अभी शादी नहीं हुई है तो वो किसी के पति नहीं है। तो अब देखो यानी इसका मतलब कुछ भाई ऐसे हो सकते हैं जो पति हो सकते हैं, और कुछ कुछ पति ऐसे हो सकते हैं जो किसी के भाई भी हो सकते हैं, इसका क्या मतलब होगा, कुछ पति भाई हो सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा आदमी है जो केवल अकेला है अपने माँ, लड़कों में बता रहा हूँ, को अपने मम्मी पापा का अकेला है वो, और जब अकेला है अगर वो तो उस वो किसी का पति तो है, लेकिन किसी का वो पति तो बन सकता है लेकिन वो किसी का भाई नहीं बन सकता, क्योंकि वो अकेला है तो उसके भाई बहन नहीं है, तो वो किसी का भाई कैसे बन सकता है कि नहीं। अब ये मत कह देना चाचा चाची के भाई हो तो इतना बड़ा लंबा रिश्ता लेके चलेंगे तो दुनिया में हर एक रिश्ता है फिर, ठीक है ना, फिर रीजनिंग पढ़ने पढ़ाने का क्या मतलब रह जाएगा, जो मानता नहीं है रीजनिंग, जो कहता नहीं है वो हम लोग कैसे कहते। वकील लेखक और किताब, देखो भैया आपको पता है कि जो वकील होते हैं, कुछ वकील ऐसे होते हैं जो कि लेखक होते हैं होते हैं कि नहीं होते, और किताब का आप मामला अलग कर देंगे, किताब अलग होती है कि नहीं। तो आप देखो इसके बाद पुरुष पिता और मानव, आपको ये बात पता होगी कि जो हमारे पिता हैं, हमारे जो पिता हैं वो क्या हैं पुरुष हैं कि नहीं है, और जितने भी पुरुष हैं वो सभी क्या हैं मानव हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आप इसका आंसर दे देंगे। और इसके अलावा आप अपने बुक में सवाल लगा लीजिएगा, और ज़्यादा मत लगाइएगा, 20 मिनट 15 मिनट का टाइम दे दीजिए, सवाल देख लीजिए, लग जाएंगे पेपर में, आप नंबर 3-4 नंबर आपके एक घंटे में, आधे घंटे में आपके एक घंटे में फिक्स हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जो पार्ट सेकंड बताए थे उसको अभी थोड़ी देर में बना के बताते हैं आपको। ओके, थैंक यू सो मच।